विषय हिंदी वर्ग 4 पार्ट 1 कविता बिना कहीं कहीं ही पार्ट से इसके पहले हम लोग कविता पढ़े हैं और पढ़ा मैंने इसका अर्थ बता दिया गया है। अब इस बार हम लोग प्रश्न का उत्तर अपने अपने कॉपी पर करेंगे। सभी बच्चे कॉपी निकालकर प्रश्न का उत्तर लिख लें। पाठ से बताइए प्रश्न का, हमें धूप कौन देता है? उत्तर, हमें धूप सूरज देता है। प्रश्न ख, चांदनी कैसी होती है? उत्तर, चांदनी रूपाली होती है। प्रश्न ग, धरती हमें क्या देती है? उत्तर, धरती बिना कहे हमें माया देती है। माया का अर्थ होता है जीवन, धरती से ही इस संसार का जीवन टिका हुआ है। दूसरा होता है, दूसरा लिखिए प्रश्न का, पेड़ हमें क्या देता है? पेड़ हमें फल फूल तथा छाया देता है। उत्तर, प्रश्न ख, सूरज चंद्रमा पेड़ और बादलों की पूजा क्यों होती है? सूरज धूप देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, पेड़ फल और फूल देता है, बादल पानी देता है। इनका जीवन दूसरों के लिए होता है, इसीलिए इनकी पूजा होती है। हाँ, प्रश्न ग, कैसे व्यक्तियों का हमेशा गुणगान होता है? उत्तर, जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है, जो अपने जीवन के बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है, उसका गुणगान हमेशा होता है। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। माने यहाँ कुछ माने कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखा गया है, दिया गया है, और उसको हम अपनी बुक की सहायता से खोज कर इन लाइनों में से भरते हैं। जैसे बिना कहे ही हवा हमें, जैसे हवा हमें यहाँ भरना है, देती है हवा निरंतर, बिना कहे देते बादल भी पानी बरस बरस कर। तो इस तरह से हम अपनी कविता की लाइन को पूरा करते हैं। अब यहाँ है ख, ख है यहाँ कुछ जो है, जैसे उदाहरण के अनुसार कविता की इन पंक्तियों से साधारण वाक्य बनाइए। तो यहाँ हमें वाक्य बनाना है कि यहाँ कुछ कविताएं के दो, एक या दो लाइन कविता दिया हुआ है, उसका अर्थ लिख देना है। जैसे बिना कहे चांदनी चांद है, देता हमें रूपहली। तो इसका हम वाक्य बनाते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं कि चांद जो होता है, चांद बिना कहे रूपहली चांदनी देता है। चांद हमें क्या देता है? तो रूपाली चांदनी देता है। अब दूसरी जो पंक्तियां हैं, यहाँ दूसरी कवि माने यहाँ भी कविता की कुछ पंक्तियां दिया हुआ है। बिना कहे ही देते हमको पेड़ फूल फल छाया। माने ये फिर से कविता को दोहराएंगे, बिना कहे ही देते हमको पेड़ फूल फल छाया। तो यहाँ हम इसका अर्थ लिखते हैं कि पेड़ बिना कहे हमें फल फूल और छाया देता है। वह पूछ मैंने किसी से पूछता नहीं है, वह सोचता नहीं है कि यह फल हमारी जो फल है फूल है यह कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। वह हमेशा जीवन दूसरों के लिए माने दूसरों के लिए निरोप निरछावर कर देता है। यहाँ तुम्हारे बुक में है सही उत्तर के सामने माने सही और गलती का निशान लगाना है।
प्रश्न है ग क धूप होती, यहाँ दिया है रुपहली सुधी, माने तीन ऑप्शन है जिसमें एक सही है। यहाँ हमें देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ हमें धूप कैसी होती है तो सुनहरी होती है, धूप कैसा होता है तो सुनहरी होता है। ख है बादल पानी देता है, तो बादल गरज गरज कर पानी देता है कि घुमड़ घुमड़ कर कि बरस बरस कर। तो यहाँ हमें थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो यहाँ हमें ये हो जाता है कि पानी क्या दे, पानी देता है बरस बरस कर, बादल जो होता है पानी बरस बरस कर देता है। यहाँ है अब इसके नीचे दिया गया है कि इन शब्दों के दो पर्यायवाची चुनकर लिखिए। यहाँ पर्यायवाची कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे रवि है, समीर है, शशि है, पवन है, घन है, तरु है, वृक्ष है, चंद्रमा है, मेघ है, सूरज है। यहाँ इसी में से यहाँ देखकर भरना है हमें। जैसे सूरज का दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो इसमें हम देखेंगे कि सूरज का दो पर्यायवाची क्या होता है। जैसे सूरज का यहाँ हम क्या भरेंगे, रवि और सूरज। हवा का है तो हवा को हम क्या क्या भरते हैं, जैसे पवन है, पवन और यहाँ है समीर, यहाँ समीर भर देते हैं। बादल है तो ये तुम लोग जानता है कि बादल को हम मेघ भी कहते हैं और घन भी कहते हैं। घन का अर्थ होता है बादल और मेघ का भी अर्थ होता है बादल। अब पेड़ है तो पेड़ का दो पर्यायवाची लिखना है, जैसे पेड़ का होता है तरु और वृक्ष, वृक्ष और तरु। चांद है तो चांद का सब लोग जानते हैं कि चांद का विभिन्न नाम है, जैसे यहाँ दिया है, लेकिन हम अपने मन से नहीं लिखेंगे बल्कि इसी में से खोज कर लिखते हैं। जैसे यहाँ दिया है चंद्रमा, चंद्रमा और शशि, चंद्रमा यहाँ चंद्रमा लिख देंगे या शशि लिखेंगे, या हमें कोई भी हम पहले लिख सकते हैं, शशि भी पहले लिख सकते हैं, चंद्रमा भी लिख सकते हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हो सर।